Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Guru. Today, I can bet you, after watching this video, you will never be thinking of remembering square of any numbers. Let's begin now. करके बहुत मेथड देखे होंगे, बहुत ट्रिक यूट्यूब पर भी देखी होगी, बट वो अपने ये देखो कि वो पर्टिकुलर किसी बेस के आसपास वैलिड होती है या फिर किसी कंडीशंस में वैलिड होती है, जैसे लास्ट डिजिट उसकी 5 हो, उसकी लास्ट डिजिट उसकी 6 हो, या फिर वो 100 के आसपास हो या फिर 10 के आसपास हो, ताकि अपने बेस लिख के उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये ट्रिक जो है वो सब केस में वैलिड है, ये पर्टिकुलर इसकी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 63, टू डिजिट नंबर है, 3 डिजिट का भी बताऊंगा मैं, पहले 2 डिजिट का देख लीजिए। सो कुछ नहीं है, पहले रेड डिजिट लीजिए, उसका स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर, नॉर्मली 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना भी चाहिए, तभी ये ट्रिक वैलिड होगी, मतलब तुम सॉल्व कर पाओगे। सो 3 का एग्जांपल लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, देन इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 18 का डबल करो, डबल कितना होगा, 36 का 6 लिख दिया और 3 कैरी में चला गया, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 3 39। अब अपने को एक और एग्जांपल लीजिए, 94 ले लिया, देन इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का सेव 1 कैरी में, 9 4 जा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, 9 4 जा 36 इंटू 2 डबल करना है ना, 36 इंटू 2 72 प्लस 1 73 का 3 7 केरी में चला गया, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 88, सो दैट्स एन स्क्वायर ऑफ 94। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 3 डिजिट का अपने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 124 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, एक तो वही बड़े से अपन कैलकुलेशन करते हैं, है ना, वो चीज़ करनी नहीं अपने को, अपने को ये ट्रिक फॉलो करनी है। तो क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला नंबर लो, उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर पता है आपको, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 6 लिखो, 1 कैरी में चला गया, देन 12 एक तरफ ले लो, 4 एक तरफ ले लो, देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 12 4 जा 48 का डबल 96 में 1 ऐड करो, 97 का 7 9 कैरी में, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 153, सो दैट्स एन आंसर, दैट्स एन स्क्वायर ऑफ 124। अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे अपने को स्क्वायर पता करना है 154, आपको लग रहा है 4 ले रहे हैं, कुछ और ले लो, 8 ले लो, 158 का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है, ओके, सो वही चीज़ है, 8 ले लो, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिख दिया, 6 कैरी में चला गया, 15 8 जा 120 का डबल 240 प्लस 6 246, 24 कैरी में चला गया, 15 का स्क्वायर पता है आपको 225 प्लस 24 249, सो दैट इज एन आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 158। ये चीज़ आपको इससे ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 158 200 में भी चलेगा, 300 में भी चलेगा, आपको 409 का स्क्वायर निकालना तब भी निकाल सकते हो आप, मतलब 999 तक किसी भी चीज़ में किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, ये मेथड फॉलो करेगा, मेथड वर्क करेगा। सो एक और एग्जांपल लीजिए, 409 का स्क्वायर निकालना है आपको, 9 ले लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 1 लिख दो, 8 कैरी में, 49 जा 49 जा 360 का डबल 720 प्लस 8 728 कैरी में चला, कितना चला गया 72, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 72 1672, सो दैट इज एन स्क्वायर ऑफ 409। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिए, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई है, ये एक्चुअली ये ट्रिक जो स्क्वायर की है वो भी मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक से ही डिराइव होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।